हेलो फ्रेंड्स, वनस्पति दर्शन में आप सभी का स्वागत है। वनस्पति दर्शन में हम आपके लिए वनस्पति लेकर आए हैं तोरी। पहले हम आपको तोरी की पहचान कराएंगे तथा फिर इसके औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे तथा बताएंगे कि तोरी किस तरह से किन किन बीमारियों से हमें दूर करती है। तो आइए जानते हैं कि तोरी पर किस तरह के पत्ते आते हैं और इसकी बेल किस तरह की होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कब्ज है तो तोरी के पत्तों का सेवन आपको कब्ज से राहत देगा। अगर आप बवासीर की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको तोरी की सब्जी का सेवन करना चाहिए। तोरी की सब्जी आपको बवासीर की बीमारी से दूर करेगी। अगर आपको पेशाब संबंधी बीमारी है तो आपको तोरी खानी चाहिए। तोरी खाने से आपको पेशाब संबंधी बीमारियां नहीं होंगी। फ्रेंड्स, ये हैं तोरी के छिलके। इन छिलकों को अच्छे से पीस लीजिए। और फिर इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। इस अर्क को अच्छे से निचोड़ लीजिए। अगर आपको शरीर पर कहीं पर गांठें हो रही हैं तो इस अर्क को आप उन गांठों पर लगाएं। ऐसा करने से आपकी गांठें दूर होंगी और आपको गांठों का जो दर्द हो रहा होगा उन गांठों में, उससे भी बहुत जल्द ही राहत मिलेगी। ये पत्तों को अच्छे से तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद इनको अच्छे से तोड़ने के बाद इनको अच्छे से पीस लीजिए। इसमें एक बूंद पानी मिलाइए। पानी मिलाने पर ये बहुत अच्छे से और आसानी से पीस जाते हैं। इस पिसे हुए लेप को आप एक कटोरे में ले लीजिए। अच्छे से इसको कटोरे में कर लीजिए और इसमें दो से चार बूंद सरसों का तेल मिक्स कर लीजिए। जिन व्यक्तियों के घुटने में दर्द रहता है उनको इस लेप को घुटने पर अच्छे से मालिश करनी चाहिए। रोज़ सुबह शाम 10-10 मिनट इस लेप से मालिश करने से घुटनों का दर्द दूर होता है। घुटनों से दर्द में घुटनों में दर्द में जिनको समस्या होती है घुटनों के दर्द की, उससे उनको राहत मिलती है। तोरी की पहचान और इससे संबंधित महत्वपूर्ण औषधीय जानकारियाँ, इन जानकारियों को अपने दैनिक जीवन में जरूर प्रयोग में लाइए और अपने आप को बीमारियों से दूर रखिए। तथा इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए रेड निशान द्वारा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वनस्पतियों की जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें और आप हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इन वनस्पतियों की पहचान कर सकें, इनके बारे में जान सकें तथा इनके औषधीय गुणों को जान सकें। धन्यवाद।